लोनावला में ना एक भूतिया रॉल्स रॉयस है, ये है वो विला जो एकदम अबैंडन्ड है। क्या लगता है क्या हुआ रहेगा यहाँ पर? उसकी स्टोरी तो एकदम एक्सट्रीम बताई थी। क्या एक्सट्रीम है? गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जी। ब्रेकफास्ट में साबूदाना खिचड़ी, और कल रात को हमने ही बोला था इसे बनाने के लिए। जब मैंने बोल दिया उसके बाद जाके मैंने अपने एलर्जी टेस्ट में देखा कि साबूदाना है कि नहीं, तो एलर्जी टेस्ट में कहीं भी साबूदाना मेंशन नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने डाइटिशियन से पूछा तो उन्होंने कहा कि साबूदाना खिचड़ी इज हाई इन कार्ब्स, बहुत ज़्यादा इसमें कार्ब्स होता है, तो यू शुड अवॉइड इट। क्योंकि मैं आलू से कंपेयर कर रहा था, तो आलू से अगर कंपेयर करेंगे तो सेम है ना सारी प्रॉपर्टीज, मतलब साबूदाना खिचड़ी इक्वल टू आलू। बट बोले तो कार्बोहाइड्रेट इज गुड ना, एनर्जी देता है अपने को, पूरा दिन काम करना है तो अपने को। देखो ना महाराष्ट्र में ये सब तो खाते हो, क्या चीते लोग है इधर। खाने को सब खा सकते हैं, जिंदगी भर तो सभी खाया ना, बट अभी साइंस बेस्ड लाइफ जी रहे तो उसके लिए I should avoid. साबूदाना को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं उसको, पोल, ट्रॉपिकाना पोल। क्या बोलते हैं? टैपियोका। साबूदाना खिचड़ी मुझे पसंद है, आलू भी मुझे पसंद है, जितनी भी पसंदीदा चीज़ है मेरी सब छीन ली गई है, साइंस ने सब छीन लिया। हो गया ब्रेकफास्ट, अभी पैकिंग करनी है। हेलो नमस्ते, वालेकुम वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जो आने का हमारा मकसद था सुबह जल्दी उठने का, वो सिर्फ 50% ही कामयाब हो पाया है। दो दिन ऐसा था जब 8-8:30 बजे उठे, उसके बाद 10 बजे उठ रहे हैं, और कल रात को ज़्यादा लेट तक हम जागे थे, लगभग 2 बजे तक। कल आखिरी दिन था तो हमने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा पार्टी कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एक गेम खेला था, मैडम ने गेम लाया था, पता नहीं कहाँ से खोज के गेम लाती है, देसी चाट। तो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, जैसे धक धक करने लगा तो ये वर्ड गेस करवाना है, बट हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, पॉपुलर, माधुरी, अनिल, हार्ड। इसके अलावा कैसी भी करके बातों से हमें ये गेस करवाना है, ये है पिंगा, ऋषि कपूर, दशहरा, ये सब। इट इज वेरी सिमिलर टू डम शराड। डम शराड से अच्छा लगा ये गेम। अच्छा लगा। तो वही खेलते 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 बहुत टाइम हो गया, सोते सोते लेट हो गया, बट आज भी जब उठे तो लगभग 3:30 बजे तक उठ गए थे। बड़ा मुंबई जाके वापस देखेंगे कि क्या हाल होता है। अभी हमें पैकिंग करना है और फिर यहाँ से निकलेंगे। सारा सामान हमने यहाँ रखा है, गाड़ी हमारी वहाँ पर है, गाड़ी को हमने छांव में पार्क कर दिया है, बैग भी छांव में है, हम भी छांव में है, लेकिन गाड़ी तक पहुँचने के लिए हमें धूप से होके गुजरना पड़ेगा। वेरी चैलेंजिंग, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना वो हो गए वैम्पायर जैसे, धूप में डालते ही जल जाएंगे, ऐसा हो गया। डब्लू निकालने दो। वी आर रेडी टू गो। मेरे को भी बहुत कॉल आते हैं, लॉट ऑफ गर्ल्स कॉल मी एवरी डे, और इसी के साथ मजाक मस्ती करते कौन है। डर गए इन लोग मेरे से, अभी कंप्यूटर को भेज रहे, इंसान नहीं भेज रहे। थैंक यू सो मच गाइस, द बॉब हाउस, थैंक यू, बहुत बढ़िया, मजा आया, खाना भी बढ़िया था, हाँ, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ बढ़िया था, एकदम फ्रेंडली माहौल था, मैच खेले, बहुत कुछ कर लिया यार यहाँ पर, मतलब घर जैसे ही माहौल था, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू, एंड बिग चेयर्स फॉर यू आल्सो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर मोर वीडियोस, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइबर्स बढ़े, और हम लोग आपके वैसे भी फैन हैं, हम आते रहे, ठीक है, हम आते रहेंगे, हम चलो बाय, Let's go. Bye bye. See you soon again. Bye boys. Rainy season direct. Haan, yes. Rainy season, inshallah. Bye Shreyash. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, auto vlog में आप सभी का स्वागत है। निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट से, और ये थोड़ा जो ऑफ रोड है रोलर कोस्टर राइड के लिए, रेडी हो जाओ सारे लोग। Are you guys ready? Let's go. ये कर दे ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल, किधर है बटन? हाँ, कर दे। ओके, क्या है कि जितने स्लो स्लो जाएंगे इन खड्डों से, नहीं ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर जंप ज्यादा मस्त, हवा में हो जाते हैं हम, पीछे पूरा धूल उड़ाते हुए हम निकल रहे हैं। इसी क्या करते हैं? फॉर्च्यूनर है भैया, छोटे मोटे खड्डे तो पता ही नहीं चलते इसे। शफीक बिजी है, बिजनेस धंधा संभाल रहा है शफीक। ये आ गया किराना स्टोर, किसी को चाहिए क्या? नहीं। तुझे कुछ चाहिए? नहीं।
आसपास में सारे गांव है, लेकिन इनके लिए कितना सही है ना, उठा ले देगा एक मस्त मस्त गांव है, गांव और एक घंटे बाद सिटी लाइफ। बट यहां पर ऐसे भी लोग होंगे जो पूरा जिंदगी बीत जाता होगा, शहर की तरफ जाते ही नहीं होंगे। जो शेफ थे वहाँ पे वो तो गांव में ही रहते, वहाँ पे काम करते, हो गया उनका तो। यहाँ पे जो भी विलास और रिसॉर्ट्स है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। फटाफट गर्मी का मौसम निकल जाए, बस यही एक मौसम है जो बर्दाश्त नहीं होता है, बाकी सारे मौसम अपने को पसंद है और गर्मी इसको ज्यादा पसंद है। घंटा कश्मीर में मजा आ रहा है। कश्मीर में चार चार लेयर्स में घूमना पड़ रहा है, यहाँ पे तुम नंगे घूमो। कपड़े पहन के फैशन कर सकते हैं वो तो एक अच्छी चीज है ना, मतलब तुम यहाँ पर कपड़े नहीं पहन सकते, तुम चड्डी बनियान में, लूज शर्ट्स, कॉटन पैंट्स, ये सब शॉर्ट्स, ये भी तो फैशन है। हाँ फैशन है, इसमें टैन होते हैं, धूप से बचना रहता है, धूप सही नहीं है ना, धूप हार्म करती है स्किन को, तो क्यों। सबसे बेस्ट मौसम बारिश, नेचर के लिए भी अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। पता नहीं तुम लोग में से किसको बारिश पसंद है, सबको पसंद है। मेरे को फेवरेट मौसम है बारिश, घर के अंदर मेरा फेवरेट है समर का, लगता है। क्या मस्त दिख रहा है यार ये पावना लेक। वो बता रहे थे कि पावना लेक कितना किलोमीटर है, 100 से ज्यादा किलोमीटर थोड़ा लंबा बता रहे थे। बढ़िया, चलो हम कंटिन्यू करते अपनी जर्नी, मिलते हैं नॉर्मल ब्लॉग्स में। माइक लो, चाबी लो, गाड़ी बंद करो, बाहर निकलो। अंदर का टेम्परेचर हमने बहुत सही सेट कर दिया था, मस्त लग रहा था बाहर निकलते गर्मी। गाड़ी हमने यहाँ पार्क किया है और हम खाएंगे वहाँ मालवनी थाट में। मैडम को दवा चाहिए थी, इन्होंने ले लिया और उसको हम कर देंगे बंद। हाँ एक तो रखना पड़ेगा अच्छा था, क्योंकि इतना खर्चा कर रहे हैं अपने स्किन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ऐसे डैमेज नहीं करना चाहते। बट वैसे भी सनस्क्रीन तो लगा लिया हमने। मालवनी थाट इधर बैठे अपने बंधु लोग, एसी में बैठे होंगे इन लोग। पम्पलेट फ्राई, सुमे फ्राई, प्रॉन्स फ्राई, प्रॉन्स कोलीवाड़ा, बॉम्बिल फ्राई, मांडेली, बांगड़ा, सुरमई, प्रॉन्स, वापस बांगड़ा मसाला, क्या चाहिए। बांगड़ा फ्राई ट्राई करो, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैडम तुम बताओ यार, तुम सही सॉर्ट करते हो, बताओ। फिश फ्राई में क्या दिया? सुरमे फ्राई आ गया है और शफी के प्लेट में है, ये है दाल, ये है राइस और यहाँ पर है, ये कह रहे हैं देसी मुर्गा। हाँ देसी मुर्गा, यहाँ सैलेड भी है, ये मेरे प्लेट में एकदम फुल है। चलो ठीक है फिर खा लेते हैं भाई, सब लेके आ जाओ ना भाई फटाफट, इनका भी सिर्फ इतना ही आया है, सब प्लेट खाली है। आ गया हमारा दाल, चावल, रोटी, हो गया जी हमारा खाना खा के। अभी हम सोच रहे हैं कुछ चिक्की विक्की ले लें, मगन लाल की चिक्की खरीदेंगे। पूरी दुकान में देखने के बाद, पूरी दुकान ढूंढने के बाद हमने लिया ये। कोई भी चीज़ अभी बाहर से खरीदने का तो दिल ही नहीं करता है, हर चीज़ में एडेड शुगर, फिर सिरप, ये वो। तो अभी मतलब जब से सत्य का ज्ञान हुआ है उसके बाद से लेकर ऐसा ना कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, खा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना है कि थोड़ा कम हो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम लोग सिर्फ फ्रेश फ्रूट पर डिपेंड रहेंगे ना, तो मे बी शायद हम ट्रैवल करते करते बहुत सारी जगहों में भूखा रह जाएंगे। तो प्रोसेस फूड को खाना पड़ेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या ज़्यादा नहीं खाना है, क्या कम खाना है, वो सब नॉलेज होना चाहिए। तो वो सब की नॉलेज अभी आ गई है ना, तो इसलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। बाकी सब एकदम बढ़िया हो गया, इसकी शक्ल इतनी लाल की हो गई, लाल टमाटर बन गई है। कितने का बिल आया था? 1440, मतलब उतना लगा नहीं 1440। गौरव जी ने भी शॉपिंग की है घर के लिए, ये मलाई चिक्की, मलाई चिक्की और ये मिक्स है। चलो फिर जर्नी कंटिन्यू करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने का, इसके बाद में एसी चालू करने का और फिर निकलने का। लोनावला में ना एक भूतिया रॉल्स रॉयस है जो काफ़ी चर्चे में है और हमेशा हम जाते हैं तो देखते हैं, लेकिन है ना कभी उसके पास जाके करीब से वीडियो नहीं बनाए, तो आज जाके बनाते हैं। कहानी क्या है किसी को नहीं किसी पता, किसी को नहीं पता है, सब बातें ही अफवाह ही है। तो क्या अफवाह, तुम्हारे को क्या अफवाह मिली है? पूरे फैमिली की डेथ हुई थी, वो लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, या तो गायब हुए थे ऐसा कुछ तो है, तो उसके बाद से फिर वहाँ पे कोई गया ही नहीं। विला का नाम क्या? आयशा विला। आयशा विला, आयशा विला आपको दिखाते हैं। तो रोड क्रॉस करना थोड़ा डेंजरस रहे बाबा। ये देखो ये है वो विला जो एकदम अबैंडनड है, पता नहीं क्या सीन है भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रॉल्स रॉयस, बाप रे डर लग रहा है मेरे को। ये है आयशा विला, खुला तो है ये गेट बट अंदर जाने को मेरे को डर लग रहा है। ये है वो रॉल्स रॉयस, बाप रे बाप, इतनी महंगी कार और वो भी ऐसे पड़ी हुई है, देख के अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या कहानी है, अगर किसी को पता है जो लोनावला से हैं तो कमेंट करके बताइएगा, कि हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, क्या है। और ये भी कहते हैं कि लोग ये प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं रहा है, या जो इसके ओनर है
उनका भी कुछ पता नहीं है, तो बस हॉन्टेड पड़ा हुआ है सब कुछ। क्या लगता है क्या हुआ रहेगा यहाँ पर? गौरव जी अभी कुछ वीडियो देख रहे थे, क्या हुआ था? उसकी स्टोरी तो एकदम एक्सट्रीम बताई थी। क्या एक्सट्रीम है? एक लड़की है, उसके पेरेंट्स को वहाँ पे जला दिया था। पेरेंट्स को पहले जला दिया गया, हाँ। उसके बाद फिर लड़की बड़ी हुई, हाँ। लड़की के साथ रेप किया गया और फिर उसी जगह पे उसको भी मार दिया गया। शिट। ऐसा कहा जाता है कि नाइट के समय में वो लड़की की आत्मा जो है घूमती है। अगर कोई भी कार, कोई भी नॉर्मल कार अगर ऐसे कहीं पे अबैंडन पड़ी हुई है तो लोग क्या है उसका टायर चुरा लेते हैं। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो ले ही रहते ना, उसका लोगो, उसका टायर, कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं। लेकिन वो गाड़ी वैसी की वैसी है, वहाँ पर लोग चुराने की कोशिश तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि लोग चुराने की कोशिश नहीं किए होंगे, लेकिन क्या सीन है वहाँ पर वैसी की वैसी पड़ी हुई है। कोई ऐसा है क्या स्टोरी जिसमें लोगों ने कुछ चुराने की कोशिश की और उनके साथ कुछ बुरा हुआ, ऐसा कुछ है क्या? फिल्मों में होता है बस। फिल्मों में तभी होता है ना जब रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है। फिक्शन मान सकते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। क्या लगता है आर्या को पता होगा? आर्या जैसे कि वो राजस्थान में गए थे, हाँ। वहाँ पर भी उन लोकल्स कह रहे थे कि इधर की कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज हैं, हाँ। हमारे साथ भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही रहा था। दूसरे वीडियोस में तो लोग अंदर अंदर भी गए। वो लोग चीते लोग होंगे ना, उनको पता नहीं है लाइफ में क्या होता। हमने एक लीच को मारा, लीच ने हमारा हाथ क्या हाल कर दिया। हम रिस्क नहीं लेना चाहते कुछ और। शफीक शैतान होते हैं इस दुनिया में? होते हैं ना, जिन्नात होते हैं। अगर वो है तो फिर जैसे फरिश्ते होते हैं तो ये भी होंगे, है कि नहीं? हमें नहीं पता वो चीज। कौन लोग होते हैं जो लोग धर्म को फॉलो नहीं करते? आस्तिक, एथियस्ट। उन लोग के लिए तो नहीं होगा वो चीज, है ना? उन लोग तो कम्प्लीटली साइंस बिलीव करते होंगे, लेकिन बचपन में हमने वो सब चीज महसूस की है तो ये भी शायद, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो अभी हम खंडाला पहुंच गए। तो बेसिकली हम लोग ऊपर से ही जा रहे थे, बट क्योंकि काफी हमने सुना था इस बारे में और वही रोड से हमेशा जाते थे, कभी ध्यान दिया नहीं, आज देख लिए। जिनको नहीं पता ये कहाँ पर है तो यूं समझ लेना जो होटल से हमारे लड़ाई हुई थी, होटल कामत थोड़ा सा आ गई है उसके, लोनावला की तरफ जाएंगे तो थोड़ा लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। भाई अगर आना है, देखना है, देख के जाना, कुछ उंगली मत करना बाबा, है ना? कोई भरोसा नहीं। अगर इस कहानी में 1% पे सच्चाई है तो सोच लो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। ठीक है, ओके, बाय। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा अटल सेतु ब्रिज पे फिर से आप सभी का स्वागत है। पांचवी बार, फिफ्थ टाइम। तो अपना हो गया पांचवी बार। गौरव जी सेकेंड टाइम। बाकी सबका मेरे ख्याल से पांच बार ही हुआ है। पांच भी पांच बार है। पांच सब साथ में नहीं, मेरा ज्यादा है। मैं फैमिली के साथ भी आई थी ना दो बार, तो मेरा सात हो गया। अरे उधर कोई और चले गया, कहाँ जाऊँ मैं? इधर ही रुके रहे, जो मूव है समझ नहीं आया। ऐसे इधर ही रुक जा। हाँ वो वाला रहेगा, कुछ गरीब लोग आ जाते हैं अटल सेतु ब्रिज पे, पैसा वैसा होता नहीं इनके पास, बस आ जाते हैं। फास्टैग में पैसे रखो या जेब में पैसे रखो, छुट्टे रखो, देखो हम लोग को 2 सेकंड नहीं लगता है। मेरे को तो इतना गुस्सा आता उन लोगों पे कि टोल क्रॉस करते हैं और टोल नहीं देते हैं। भाई 15-20 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे जेब से 100 रुपए नहीं निकल रहे, किस बात के लिए तुमने गाड़ी रखा है फिर? आज तुम क्या टोल बिना पैसे देके क्रॉस कर लोगे तो क्या तुम बहुत बड़े चौधरी बन जाओगे? नहीं, एक बार मैंने देखा था वो उसके ऊपर ना गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ था, तो वो बंदा जो ड्राइव कर रहा है वो नहीं, आप उसको कॉल करके पूछो, उसको कॉल करके पूछो, ऐसा मतलब। अरे पूछना क्या, पहले ही फिर अरेंजमेंट करके आओ ना, तुम हमारे सामने ही थी वो कार और वो नहीं, आप उसको कॉल करो, वो हट भी नहीं रहा वहाँ से। देखो तुम गवर्नमेंट की नौकरी करो या पॉलिटिशियन है, जो भी हो, तुम्हारे लिए रूल सेम ही होगा ना जो हमारे लिए है। हमारा टाइम बर्बाद नहीं करने का, यही चीज तो नहीं है इंडिया के अंदर। आज की वीडियो पे जो ऑफेंसिव कमेंट्स आएंगे वो इनकी वजह से आएंगे। क्या इंडिया को ऐसा बोल दिया, इंडिया को ऐसा बोल दिया। देखो भाई जो अभी देने दो, छोड़ो जाने दो, गलत है कि नहीं भाई, है कि नहीं? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सबको समान अधिकार मिलता है, यहाँ पर इक्वल चीजें होनी चाहिए, है कि नहीं? अब हम यहाँ पीछे अटके हैं, वहाँ पर तुम चौड़पंती कर रहे हो, हम सरकारी हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हमें जाने दो, ये है वो है। और अगर इतने बड़े आदमी हो, हाँ, तो तुम्हें 100-200 रुपए से नहीं फर्क पड़ना चाहिए फिर? क्यों इतना फर्क पड़ रहा है भाई? देखो भैया, अगर तुम्हें फ्री में निकलना, निकलो, पहले से जुगाड़ कर लो, आधा घंटा पहले फोन कर लो, एप्लीकेशन दे दो, जो भी करना करो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? ओके बाय। आर्या गया है गाड़ी को पार्क करने के लिए, हम पहुंच गए 5:45। क्या हो गया जी, मजा आया? मजा आया।
भाई कुछ करता ना, करना तो पड़ेगा तुमको कुछ अभी। अभी तुम्हारा फैट परसेंटेज 25 के ऊपर गया है, 25 के नीचे लाना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन चल हो जाएंगे। एनीवे हमारा वर्केशन ट्रिप कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। बैक टू मोटर व्लॉग अगेन, वापस हमारी वही लाइफ। अभी 10 बज रहे होंगे, घर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। आने के बाद थोड़ा सा वक्त के लम्हों से नींद चुरा ली हमने, सो गए थे, अभी उठा और जा रहे हैं। अरे रोड का काम चल रहा है, हम नहीं थे और रोड खोद दिए, बताओ। ए, 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 बच्चा रे। तो ये ट्रिप में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा खाना खाया था, खाना खाया था ये फील नहीं हो रहा है, लेकिन खाना खाने के बाद गोश बढ़ गया ऐसा लग रहा है। अर्थात मैं ये कहना चाहता था कि ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा वेट बढ़ गया है, और रमज़ान के बाद से लेकर अभी तक मैंने अपना वेट मेजर किया नहीं है, तो कल एक बार वेट मेजर करेंगे, देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा है। क्योंकि इन दिनों हमने ट्राई किया था कि जिम करें ऑनलाइन, बट जहाँ हम थे वहाँ इंटरनेट ठीक था नहीं, हो नहीं पा रहा था। क्या 8.8 अच्छा, हाँ थैंक यू, आया दिख रहा है ना, शुक्रिया भाई। अच्छा लो बैक में तो आया है, हाँ अभी घर पे जा रहा हूँ खाना खाने, थैंक यू। चलो तो वही सो बात की, एक बात की फिटनेस हुआ नहीं, सिर्फ जो क्रिकेट खेले यहाँ वहाँ भागे दौड़े वही है हमारा फिटनेस, और जो वॉक करने के लिए जाते थे हम बस उतना ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, किया है भैया। शादी चल रही है यहाँ पर इसीलिए थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। बाकी ये जो हमने मीटअप रखा था स्मॉल सा, वो सक्सेसफुल गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे जहाँ पर भी रुकूँ मैं इन्फॉर्म कर दूँ मैं, और मैं ये चाहूँगा कि उस मीटअप में लोग दूर से ना आए, जो आसपास के लोग हैं बस वही मिलने आ जाए, क्योंकि उनके लिए वो नज़दीक होगा। एक और प्लान चल रहा है जिसमें आप लोग को मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, तो वो भी प्लान अपन बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो ब्लॉग देखते रहना, ब्लॉग मिस मत करना भैया। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम पहुँच सकते हैं, बस ब्लॉग देखते रहो। और जिन जिन लोगों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया है, जो भी हमारा सब्सक्राइबर है, दबा दीजिएगा, क्योंकि 11:11 को टिंग, लेकिन कभी कभी 11:11 को नहीं बजता यार, मेरे दूसरे मोबाइल से मैं चेक करता हूँ कि 11:11 पे व्लॉग लाइव हुआ है और वो घंटी बजा रहा है 5 बजे, तो वो घंटी बजाने के लिए लोगों को कैसे बोलूं कि टाइम पे तुम्हें मिलेगा, जब यूट्यूब का ही घंटी ठीक नहीं चल रहा है। मिलिए अम्मी जान से, अल्लाह का लाख शुक्र है, अच्छे से गए, अच्छे से आए। 3-4 दिन हो गए रहेंगे नहीं देखेंगे आप लोगों ने, यहाँ पर तो रोज देखते थे। डैडी वहाँ पर है, डैडी मैच देख रहे हैं, और हमारे इस छोटे से घर में एक छोटा घर है सूफी का, जिसने हमारे घर का 99% जगह ले लिया है। आम लाने थोड़ी गए थे हम, अभी आम लाने के लिए जाएंगे। खाने में क्या है? खाने में गोश्त का सालन दाल, आज जुम्मा था ना, आज दाल गोश्त नहीं बनाया, बगारे लग, भूख लग रही है। हमारा वहाँ पर जल्दी खाने की आदत है ना, गाँव का टाइप है ना, हाँ, तो अभी मेरे को 9 बजे भूख लग जाती है, 9 बजे खाना दे देंगे। हाँ दे देंगे, रोज 9 बजे का 8 बजे, कल तक बताता हूँ कितने बजे तक, क्योंकि जिम भी है ना, उस हिसाब से देख के बताता हूँ। कल क्या खाएंगे? मच्छी फ्राई दाल। हाँ चलेगा, चलेगा ना, मच्छी फ्राई दाल को एक भाजी। हाँ वो भी चलेगा, भाजी भी चलेगा, बड़ा बड़ा राउस लेके रखा हूँ। आज हम लोगों ने खाया था मम्मी सुरमई फ्राई, 2 स्लाइस दिया था उसने, 500 रुपया, 2 स्लाइस को 500 रुपया, 500 रुपया। सुरमई कितने का थी मम्मी? बड़ी सुरमई 500 रुपए का आता है, 1000 रुपए का 500 रुपए। हाँ वो 500 रुपए में हम पूरी मछली ले सकते थे, सिर्फ उसने 2 स्लाइस दिया। कोई बात नहीं, होटल में ऐसे होते हैं, तैयार करके दिया, लेकिन वही है, अच्छा था ना मच्छी, जो आप बनाते हो ज्यादा अच्छा है, इन लोगों को नहीं आता बनाने। ठीक है, बाहर जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन खेल रहा है मैच? पंजाब और कलकत्ता। कौन जीत रहा है अभी? वो 260 बना है, देखो अभी ये लोग क्या करते हैं। कलकत्ता कितने नंबर पे है अभी? 2 नंबर पे। सही है, इस बार ट्रॉफी कलकत्ता के पास। मैं कोलकाता को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ लोग हैं जो मेरे को भला बुरा कह रहे हैं। यार चाहे कोलकाता को सपोर्ट करो, मुंबई को सपोर्ट करो, है तो इंडिया ना, इतना क्या उसमें लड़ाई वड़ाई, बहुत फ्रेंडली रखो इस चीज़ को। मैं देखता हूँ आरसीबी फैन वो चेन्नई फैन झगड़ा कर रहे हैं, भाई क्या जरूरत है, अपने ही प्लेयर है सब, स्पोर्टिंगली लो। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा, गाली गलौज कमेंट में सब क्या। तो बेसिकली उस कमेंट में ये था कि मुंबई ने देखो सब कुछ दिया, तू कोलकाता को क्यों सपोर्ट कर रहा है? अरे मैं पैदा हुआ हूँ उधर पे, मैं पैदा ही नहीं होता तो फिर मुंबई में आ गया क्या अपना सब कुछ करता। राइस का कलर पीला क्यों है मेरे दोस्त? इसको पुलाव राइस बोलते हैं, बघारीला चावल। अच्छा सूफी पानी ले आई है मेरे लिए, ले लो ले लो। अरे लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे अरे ले लो, तुम्हारा ही है। मटन है, दाल है, यही आज का हमारा
डिनर है। डेली व्लॉग जब करते हैं ना तो एक ऐसा दिन आता है जिस दिन करने को कुछ होता नहीं है, बट उस दिन क्या बातें करूं वो मेरे पास होता नहीं है। जब बातें करने को नहीं होती है तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि क्या व्लॉग बनाऊं। तो आजकल मैं टाइटल थंबनेल के बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूं कि ऐसा कोई टाइटल बनना चाहिए कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ऐसा कोई थंबनेल बनना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं उस हिसाब से कंटेंट लोगों को नहीं दे रहा हूं, तो ये सब चीजें करके कोई फिर मतलब नहीं है। अभी जो व्लॉग बन रहा है वो अपने जो लोग हैं उन्हीं के लिए बन रहा है। दिल की बात थी, सोचा शेयर कर लूं। अब जिस दिन बातें नहीं होती उस दिन क्या करूं मैं। ऑलराइट एक बार चेक कर लो ना बेल आइकॉन ऑन है कि नहीं, बाकी सब बढ़िया। आज की बातें होती है यहाँ पर खत्म, कल मिलते हैं। लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम। फैमिली के साथ घूम रहे हैं। अकल नहीं क्या बहन, इतना क्लोज कॉल कौन देके जाता है।